वह छत्तीसगढ़ की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। नदियों के तेज बहाव को देखकर इलाके के लोग दहशत में हैं। पानी के तेज बहाव से बाढ़ का खतरा जो है वो बढ़ गया है। आसपास के जो इलाके हैं वो वहां से जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं। जगदलपुर छत्तीसगढ़ की तस्वीरें अपने आप में ये स्थिति को बयां कर सकती है कि इस वक्त निचले इलाकों में किस तरीके का मंजर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पानी गिर रहा है उससे लोगों में दहशत पनप रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की तस्वीरें, लगातार बारिश हो रही है और किस तरीके से ये पानी झरने से गिरता हुआ नजर आ रहा है और पानी का बहाव कितना तेज है, और ये बहाव निश्चित तौर पर जो आसपास के इलाके के लोग हैं, गांव हैं, उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। और इस बात का आभास उन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में भी है और इसलिए वो दहशत में है। पानी के तेज बहाव से बाढ़ का जो खतरा है वो भी बढ़ गया है। जिस तरीके से ये पानी नीचे गिर रहा है और बारिश वहाँ पर हो रही है, जलस्तर उससे बढ़ रहा है, और कितनी खौफनाक ये स्थिति होगी, जो आसपास के इलाके होंगे, जो लोग होंगे, वो किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे, ज़रा अंदाज़ा आप लगाइए। क्योंकि पानी का बहाव अगर इस तरीके से इतना तेज़ होगा तो आपको लगता है कि कुछ भी वहाँ बचेगा। हर कुछ ये पानी का बहाव अपने साथ बहाते ले जा रहा है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे मकान हो, चाहे रास्ते में आने वाली सड़क हो, चाहे पुल हो या फिर लोग हो, इन सब को अपने आगोश में लेता हुआ ये पानी नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की तस्वीरें हैं। कई नदियां वहां पर उफान पर हैं। बारिश की वजह से लगातार स्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तीरथगढ़ की ये तस्वीर, एक ऐसा जलप्रपात जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते हैं, और इसी से लगा हुआ आगे में चित्रकूट जलप्रपात भी, जिसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहा जाता है। लेकिन अब ये अपने विकराल रूप में दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें कितनी भयावह है इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका पानी जब नीचे उतरते हुए रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा होगा तो किस तरह की तकलीफ पैदा हो रही हो। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर दो तीन और बड़े जलप्रपात हैं, लेकिन तीरथगढ़ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात जहां बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचते भी हैं, लेकिन ऐसे में जबकि लगातार बारिश जारी है, ऊपर पहाड़ से आता पानी अब इस जलप्रपात को और ज्यादा भयानक बनाता हुआ। चित्रकूट जलप्रपात जो इसके नजदीकी है वो भी इसमें आगे जाकर मिलता है, और नियाग्रा जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, ये उसकी तस्वीर। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये कि लगातार बारिश के बाद जब जलप्रपात पर यह हाल है, नीचे उतरता हुआ ये पानी रिहायशी इलाकों में जो पहुंच रहा है, वहां लोगों की मुसीबत ये लगातार बढ़ाता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद अब बाढ़ जैसे हालात ना सिर्फ गांव में बल्कि शहरी इलाकों में भी अब पानी पहुंचता जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जगदलपुर में, जहां लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है, और ऐसे में जबकि जगदलपुर का ये जलप्रपात अब और ज्यादा तेजी से विकराल रूप के साथ नीचे गिरता हुआ। लेकिन लोगों की मुश्किलें इससे इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि ये पानी जब नीचे गांव तक पहुंच रहा है तो वो रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है और लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। हालांकि ये वो जगह है जहां बड़ी तादाद में पर्यटक भी पहुंचते हैं। साल के दूसरे महीनों में जब ये अपने सुंदरतम रूप में होता है, बड़ी तादाद में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं इस जगह का लुत्फ उठाने के लिए जलप्रपात के नज़दीक पहुँचकर। लेकिन जलप्रपात के नज़दीक ही बना एक छोटा पुल भी इसमें पूरी तरह से डूब चुका है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात की ये तस्वीर, जहाँ बड़ी तादाद में ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि हिंदुस्तान, देश दुनिया से लोग पहुँचते हैं और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी ये जलप्रपात है। लेकिन अब जबकि लगातार बारिश के बाद ये अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, यहाँ पर्यटकों का नज़दीक आना तो रोक ही दिया गया है, लेकिन इससे मुश्किलें उन रिहायशी इलाकों में बढ़ रही है जहाँ इस तीरथगढ़ जलप्रपात का पानी अब नीचे उतरकर गांव तक पहुँच रहा है, रिहायशी इलाकों तक पहुँच रहा है।